नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अशोक तलवार की चिट्ठी से आम आदमी पार्टी में बवाल। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तलवार की उस चिट्ठी पर हंगामा मच गया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नेता दिल्ली में पार्टी को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। तलवार ने आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि कुछ लोग बैठक से पहले फोन कर मिलने के लिए बुला रहे हैं। चिट्ठी में केजरीवाल पर कुछ सवाल भी उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस साजिश का खुलासा करना जरूरी था ताकि पार्टी विरोधी लोगों की अफलियत सामने आ सके। पार्टी को तोड़ने की ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आप नेता शांति भूषण ने इस बात से इनकार किया कि इस हफ्ते पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले वह असंतुष्टों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। भूषण ने हालांकि कहा कि वह 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शरीक होंगे। राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे की मौत, व्यापम घोटाले में था आरोपी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव का बेटा शैलेश बुधवार को लखनऊ स्थित अपने पिता के सरकारी आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। शैलेश का नाम करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में सामने आया था। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे शैलेश की मौत का कारण तत्काल पता नहीं लग सका है। यादव के मुख्यमंत्री काल में मंत्री रहे सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद शैलेश काफी परेशान और त्रस्त थे। जहां तक हमारा मानना है तो उनकी मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। मैंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की, विदेश राज्य मंत्री बीके सिंह ने कहा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शरीक होने के बाद अपनी ट्वीट से पैदा हुए विवाद के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। वे केंद्र की भाजपा सरकार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने ट्वीट को लेकर मीडिया के कुछ वर्गों पर राई का पहाड़ बनाने का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा कि अनावश्यक विवाद पैदा किया गया, वहीं कुछ लोग उनकी राष्ट्रवादी साख पर सवाल कर रहे हैं। सिंह ने अपने आवास पर मीडिया के समक्ष पढ़े गए एक बयान में कहा कि मेरा ट्वीट मीडिया के केवल उन वर्गों की ओर निर्देशित था जिन्होंने मेरी सरकार के इरादे पर सवाल उठाए थे और यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के रुख पर भी था। नौसेना का निगरानी विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो अधिकारी लापता। भारतीय नौसेना का एक निगरानी विमान गोवा के दक्षिण पश्चिम में करीब 25 नॉटिकल मील की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार दो अधिकारी लापता हैं, इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। नौसेना के सूत्रों ने बताया कि एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान ने नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी। वह मंगलवार रात करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद तलाशी और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। विमान में सवार एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।